मतलब वहीं से हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो लगता था कि वही मिल जाए, लेकिन क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत वीक था उसके लिए सरस सर की एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पर, उसे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद ये सब मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड से मैंने निमसेट की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन शुरू की। चलिए एक और निमसेट 22 के टॉपर से मिलते हैं आत्मजीत से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 283 है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ और ये झारखंड से हैं और इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एनआईटी इलाहाबाद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपकी सक्सेस जर्नी क्या एंटायर ये बताओ, और क्योंकि फाइनल ईयर के साथ किया, कई बच्चे जो ड्रॉपर्स होते हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो उनसे कनेक्ट होते हैं, पर जो फाइनल ईयर बच्चे होते हैं वो अक्सर वो बच्चों से कनेक्ट होते हैं जो फाइनल ईयर में। तो आपकी दोनों कॉम्बिनेशन कैसी थी और सक्सेस जर्नी में क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखी? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आत्मजीत साहू है। हम चक्रधरपुर झारखंड से बिलोंग करते हैं। हम अपनी ग्रेजुएशन बीएससी आईटी से करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर से किया है, अभी चल रहा है 6 सेमेस्टर। और मैंने निमसेट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर के मिड से ही शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत वीक था, 12th में सिर्फ 44 नंबर था, जो जिसका वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ शुरू में, बनता ही नहीं था मैथ्स बिल्कुल, मतलब बेसिक बेसिक 12th के मैथ्स भी बनते नहीं थे। तो उसके लिए सरस सर की एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पर, यहाँ पर सर ने बताया था कि बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 9th 10th की बुक सॉल्व करना शुरू की, SSC की जो मैथ्स बुक आती है किरण की, वो सॉल्व करना शुरू की मैंने, उसको पूरा अच्छे से सॉल्व किया, जिससे मेरा क्वांट बहुत अच्छे लेवल का हो गया, क्वांट और रीजनिंग दोनों बहुत अच्छे लेवल का हो गया। 4-5 महीना पहले उसको किया। उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड से मैंने निमसेट की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन शुरू की। मैंने सर के यूट्यूब लेक्चर से ही शुरू किया था, काफ़ी अच्छे थे वो, और शुरू में ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस सीरीज ये एलजेब्रा के टॉपिक्स को उठाया था, उनको पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया अच्छे से 1-2 महीने में शुरू के। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा और दिसंबर जनवरी तक मैंने सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। उसके बाद इम्पेटस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से मैं जुड़ गया, जिससे मेरी प्रिपरेशन तो पहले ही कम्प्लीट हो चुकी थी, मुझे लग रहा था कि अब हो जाएगा, लेकिन जब टेस्ट सीरीज से जुड़ा तो पता चला कि नहीं, अभी मतलब बहुत बाकी है वो चीज़। जैसे मैं जिस अप्रोच से मैं सॉल्व करता था क्वेश्चन, उससे एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता था। ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिक्स होते हैं वो मुझे पता नहीं थे, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुटिंग से बन सकते हैं, क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाते हैं ऐसे होते हैं, बट मुझे उसे पता ही नहीं था। उसे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद ये सब मेरा क्लियर हुआ। जो इम्पेटस का टेस्ट सीरीज होता है वो बहुत बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत सारे कोचिंग के वो तो कोर्स से भी अच्छा होता है। 200-250 वीडियोस कुछ थे उसमें टोटल एनालिसिस के, पूरा तो मैं देख भी नहीं पाया था शायद। टेस्ट देते गए वैसे रेगुलर और एनालिसिस करते गए टेस्ट के, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ और उसी से ही रैंक इम्प्रूव हुआ है बहुत अच्छा। और एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा पैनिक भी हो गए थे, उससे शायद थोड़ा गलत भी हो गया था बहुत सारा क्वेश्चन। शुरू में जब तैयारी किए थे तब तो NIT जमशेदपुर, मतलब वहीं से हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो लगता था कि वही मिल जाए, बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन जब टेस्ट उस दिए गए दिए रैंक अच्छा आया, तो 3G तक का भी सपना देख लिए थे, बट ठीक है, अलावा भी अच्छा ही है और खुश है हम उससे भी। थैंक यू सरस सर को। देखिए जैसे अभी जीत ने बोला, एक तो इसका मैथ्स बहुत वीक था, अभी हम ये भी जानेंगे कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि मैथ्स वीक होने के बाद रैंक लाना अपने आप में मायने रखता है। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि इम्पिटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज मतलब किसी भी जगह का कोर्स के बराबर है, मैं क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी बहुत कंटेंट होता है, कोर्स में तो होता ही है, कोर्स कई गुना ज्यादा होता है, पर टेस्ट सीरीज भी अपने आप में, क्योंकि टेस्ट सीरीज में केवल टेस्ट पेपर और सॉल्यूशन नहीं होते, उनके वीडियो सॉल्यूशन होते हैं, उसका फायदा मिला। वीडियोस होते हैं, हाँ फायदा हुआ। अच्छा आप ये बताओ, मैथ्स को धीरे 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 करके किया, तो उसी वो क्योंकि कई लोग मैथ्स के डर से भाग जाते हैं कि नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उसको आप बताओ मुझे। तो मैथ्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि वो वीक नहीं होता किसी का भी, वो होता है ऐसा कि आपको शायद शुरू में टीचर अच्छे नहीं मिले होंगे, या मतलब आपका अप्रोच ही गलत है, आपको इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो मतलब यही था कि इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे मैथ्स में बिल्कुल भी, मतलब मन ही नहीं करता। मेरे 10th में भी 60 नंबर थे सिर्फ मैथ्स में, जो सबसे लोएस्ट थे सारे सब्जेक्ट्स में, सारे में 85-80 ऐसे थे और उसमें सिर्फ 60 नंबर था। और सेम वही 12th में भी 44 नंबर था मैथ्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट में 75-80 ऐसे था। तो मतलब वही है कि बेसिक से स्टार्ट करो अगर वीक है तो मैथ्स। और जब हम ये चीज़ मतलब निमसेट के रिजल्ट के बाद हम ये चीज़ पोस्ट भी किए थे कि मेरा मैथ्स वीक था, ऐसे लिंक्डइन पे हम पोस्ट कर दिए थे कि मेरा मैथ्स वीक था और ऐसे क्लियर कर लिए हम फाइनल ईयर फाइनल ईयर अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। तो बहुत सारे सीनियर्स जो थे 2017-18 वो मतलब एक एक साल बस निमसेट दे के वो छोड़ चुके थे कि मतलब नहीं निकलेगा, हमारा तो मैथ्स वीक था, 12th में भी खराब नंबर था और यहाँ JEE लेवल का आ जाता है निमसेट में, उससे नहीं होगा, हम लोग का ऐसा लगता था। तो उनके भी मैसेज आने लगे कि मतलब वीक था इतना तुमने कैसे कर लिया,
हम भी कर लेंगे अब हम वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, हो जाता है उसे अगर प्रिपेयर करोगे बेसिक से तो बस हो जाएगा। 9th-10th की उठा लो बुक, मैं तो बोलूँगा अगर वीक है पूरी मैथ्स मतलब बनती नहीं है तो 9th-10th से ही शुरू करो, बेसिक क्लियर कर लो पहले पूरी एलजेब्रा वगैरह की कर लो पहले, और उसके बाद 12th की उठाओ, 11th-12th की उठाओ। ऐसे डायरेक्ट उठा लोगे मैथ्स वीक है तो और डिमोटिवेट भी हो जाओगे क्योंकि बनेगा नहीं वैसे अगर वीक है पहले ही तो वही। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली जीत ने कि कोई चीज वीक नहीं होती, और स्पेशली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई सीख सकता है, और मैथ्स केवल प्रैक्टिस से आता, तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं मिला। और मैं बिल्कुल सही बात बोली इसने कि मैथ्स के लिए अगर आपको सही समय पे कोई सही टीचर मिल जाए तो मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और नहीं मिलता तो उसी से डर के भागते हैं, और वही इसके साथ हुआ। मैं आप सभी को बोलूंगा अगर आपका मैथ्स वीक है तो वीक इसलिए नहीं है, वीक इसलिए कि आपने कभी उस पर मेहनत नहीं की, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है मैं श्योर हूं जो प्रैक्टिस से आ सकता है। पर अगर आपको लगता है मैथ्स वीक है जैसे इसने किया बात करके मुझसे, 9th-10th से पूरी मैथ्स की बुक उठाई और करा और उसी के वजह से इतनी अच्छी रैंक आई, तो मैं आप सबको बोलूंगा इस बात का ध्यान रखो। तो जीत वंस अगेंस्ट आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप ऐसे ही आगे बढ़ो।